मुंबई की मालवानी पुलिस ने कथित तौर पर डबल टाइगर हेरोइन और मेफेड्रोन ड्रग्स की आपूर्ति करने के आरोप में यूपी पुलिस के एक कांस्टेबल अमित कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है। फिलहाल अन्य आरोपी की तलाश जारी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में ग्रामीण 100 रुपए देकर पीने का पानी ले रहे हैं। देवरी नवीन के सरपंच रामकुमार सयम ने बताया कि पानी की समस्या की वजह से गांव वाले निजी बोरवेल से पानी ले रहे हैं। इसका शुल्क 100 रुपए है, जिसमें 50 रुपए गांव वाले देते हैं और 50 रुपए हमारी तरफ से दिया जाता है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ के गांव करेड़ी में दो पक्षों के बीच हुए विवाद में एक दुकान व 2-3 मोटरसाइकिल को आग लगा दी गई। राजगढ़ के एसपी प्रदीप शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों पक्षों को चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल भेजा गया है। अभी स्थिति नियंत्रण में है और अस्पताल में भर्ती लोगों की हालत सामान्य है। राजस्थान के उदयपुर के फतेहनगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में आग लगने की घटना सामने आई है। मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जासूसी के आरोप में भारतीय वायुसेना के एक जवान को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम देवेंद्र शर्मा बताया गया है। इस पूरे मामले में पाक की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ होने का अंदेशा है। चीन के चोंगिंग एयरपोर्ट पर तिब्बत एयरलाइंस के एक विमान में रनवे पर ही आग लग गई। विमान रनवे पर लैंड हुआ और फिर आग की लपटों से गिर गया। मिली जानकारी के अनुसार विमान में 113 यात्री और 9 क्रू मेंबर थे, जिन्हें हादसे से तुरंत बाद बाहर निकाल लिया गया। इस हादसे में 25 लोगों को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। नॉर्थ कोरिया में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी के साथ ही किम जोंग उन ने देशव्यापी कोविड लॉकडाउन का आदेश जारी किया है। आज सुबह करीब 5 बजे उत्तर प्रदेश के यमुना एक्सप्रेसवे पर आगरा से नोएडा जाते समय एक ट्रक में पीछे से गाड़ी टकरा गई। गाड़ी में 7 व्यक्ति सवार थे। इस दुर्घटना में 5 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 लोगों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,827 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 3,230 लोगों की रिकवरी हुई और 24 लोगों की कोरोना से मौत दर्ज की गई। एक्टिवा पर अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रही मां को तेज रफ्तार कार ने बुरी तरह से कुचल दिया और मां बेटे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा सुल्तानविंड की अपर दुआब नहर के किनारे हुआ। फिलहाल पुलिस द्वारा कार की तलाश की जा रही है।